गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूर। अपन बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और मैं बीकानेर विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि राजस्थान के समस्त विश्वविद्यालयों में इस बार सेमेस्टर सिस्टम शुरू हो चुका है। और सेमेस्टर सिस्टम के हिसाब से जो प्रथम सेमेस्टर जो जनवरी में प्रस्तावित है, इसमें जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, अपन उसी सिलेबस के संबंध में जितने भी टॉपिक्स हैं उनको क्लियर कर रहे हैं और उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे अपन उन्हीं के बारे में बातें कर रहे हैं, और आज उन्हीं में से एक और टॉपिक अधिकार यानी कि राइट्स, अपन इसके बारे में बात करेंगे। अधिकार व्यक्ति की मांगे होती है जो सामाजिक वातावरण में उठाई जाती है और राज्य के द्वारा उनका संरक्षण किया जाता है। ये जो अधिकारों की अवधारणा है ये अति प्राचीन अवधारणा है। जैसे कि समझौतावादी विचारक हैं, वो तो ये मानकर चलते हैं कि अधिकार राज्य के जन्म से पहले से थे, और कुछ ऐसे विचारक हैं जो ये मानकर चलते हैं कि अधिकार राज्य और समाज की उपज है। और इसी के साथ एक अवधारणा जो अधिकारों के संबंध में चल रही है वो काफ़ी प्राचीन समय से चल रही है। सबसे पहली मांग जो अधिकारों के बारे में उठी थी वो ब्रिटेन से उठी, और ब्रिटेन ने सन 1215 में मैग्ना कार्टा पारित किया जिसका संबंध व्यक्तियों के अधिकारों से था। और इसकी एक बहुत ज़बरदस्त जो मांग थी वो फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से सन 1789 में उठाई गई थी, और उसकी उसका नारा था फ्रांसीसी क्रांति का, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व है। ये चीज़ें जो है ये शुरुआत थी अधिकारों के संबंध में। और जहाँ तक मानवाधिकारों की बात है, हम इस बात से भली भांति परिचित है कि 10 दिसंबर सन 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों की घोषणा की गई। तो हम ये जानते हैं, हमें जो भी घटनाक्रम हुए उनके बारे में पता है कि अधिकार एक ऐसी परिस्थिति होती है जिसकी मांग हर युग में रही है, हर समय रही है। और आज अधिकारों की अवधारणा इस रूप में स्थापित हो चुकी है कि अधिकारों के बिना व्यक्ति का जीवन संभव नहीं। और जब से विश्व में लिखित संविधानों की अवधारणा का विकास हुआ है, जन्म हुआ है, तब से विश्व के सभी देश अपने संविधान के भीतर ही नागरिकों के लिए अधिकारों की घोषणा करते हैं, अधिकारों को स्वीकार करते हैं। हम अगर भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान भी अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। जैसे कि हम ये जानते हैं कि मूल रूप में भारतीय संविधान में 7 अधिकार थे, बाद में 44 संविधान संशोधन के द्वारा एक अधिकार समाप्त करने के उपरांत भी 6 अधिकार हमारे पास संवैधानिक अधिकारों के रूप में है। इसके अलावा समय समय पर हमें विधिक अधिकार भी प्राप्त हुए हैं, तो संसद के द्वारा कानून बनाकर हमें प्रदान किए गए। इसका तात्पर्य ये निकलता है कि आज जो परिस्थितियाँ हैं उन परिस्थितियों को हम इस रूप में स्वीकार करते हैं कि बिना इनके व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। और इसी धारणा के साथ व्यक्तियों को राज्य के द्वारा अधिकार प्रदान किए जाते हैं, उनकी सुरक्षा की जाती है। इसलिए अधिकारों की अवधारणा अति प्राचीन है, और आज हम इसी अधिकार की चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आपसे निवेदन, यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए शुरुआत करते हैं अधिकार। अधिकार हमारे सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है, यानी कि इसी से आप समझ सकते हैं कि अगर व्यक्ति को सामाजिक जीवन जीना होता है तो उसके लिए सबसे अपरिहार्य जो चीज़ है वो है अधिकार। उसके बिना व्यक्ति का सामाजिक जीवन संभव नहीं है, जिसके बिना न तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाता है और न ही समाज के लिए उपयोगी कार्य कर सकता है। यानी कि अगर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अगर किसी चीज़ की आवश्यकता होती है जिसका प्रयोग करके वो अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर सके, अपनी योग्यता के आधार पर एक उचित स्थान प्राप्त कर सके, समाज में एक उचित स्थान निर्धारित कर सके, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है अधिकार। उनके बिना ये संभव नहीं। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि व्यक्ति को सामाजिक जीवन जीने के लिए वास्तव में जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो है अधिकार। अधिकारों के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इस कारण वर्तमान समय में प्रत्येक राज्य के द्वारा अधिकाधिक विस्तृत अधिकार प्रदान किए जाते हैं, कि यानी कि हम अधिकारों के बिना व्यक्ति के जीवन की कल्पना तक नहीं कर सकते। और इसी के कारण से
आज के जो राज्य हैं, आधुनिक राज्य हैं, वो अपने नागरिकों को विस्तृत स्तर पर अधिकाधिक मात्रा में अधिकार प्रदान करते हैं और समय समय पर वहाँ के जो न्यायालय है वो भी अन्य चीज़ों को भी अधिकारों के रूप में स्वीकार करते हैं। व्यक्ति के अधिकार वे दावे होते हैं जिनको समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है और जिन्हें राज्य संरक्षण प्रदान करता है, यानी कि व्यक्ति के अधिकार यानी कि जिनके लिए वो मांग करता है वो क्या है, समाज के दावे, समाज से किए जाने वाले दावे। समाज से क्यों, क्योंकि समाज अधिकारों को मान्यता देता है और राज्य इसलिए कि राज्य के बिना अधिकारों की सुरक्षा संभव नहीं, क्योंकि राज्य के पास संप्रभुता शक्ति होती है और संप्रभुता शक्ति के कारण ही वो अपनी बात को नागरिकों से अन्य लोगों से मनवा सकता है और इस कारण से राज्य की शक्ति आवश्यक होती है ताकि व्यक्तियों से, संस्थाओं से, सरकारों से व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जा सके। समाज की स्वीकृति इसलिए आवश्यक होती है क्योंकि अधिकारों का पर्यावरण समाज है। राज्य का संरक्षण भी आवश्यक है क्योंकि राज्य अधिकारों को औचित्य व परिसीमन प्रदान करता है। समाज की स्वीकृति क्यों आवश्यक है, क्योंकि समाज जो है वो अधिकारों का पर्यावरण है, यानी कि व्यक्ति अधिकारों का प्रयोग जो है वो समाज में करता है, समाज के बिना व्यक्ति अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता, इसलिए समाज की स्वीकृति आवश्यक होती है ताकि समाज के भीतर रहकर व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग करके समाज में एक उचित स्थान प्राप्त कर सके। और राज्य की सुरक्षा इसलिए आवश्यक होती है कि राज्य ही वो है जो अधिकारों को औचित्य प्रदान करता है और परिसीमन प्रदान करता है, यानी कि एक सीमा निर्धारित करता है कि आपके अधिकार यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, इसके अलावा आप किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो वो इतर जाकर यानी कि अधिकारों के बाहर जाकर होता है और ये कानून अवैध माना जाता है। इसलिए राज्य और समाज दो चीज़ें अधिकारों के लिए आवश्यक होती है। अपनी आत्मोन्नति के लिए मनुष्य को एक विशेष वातावरण की आवश्यकता होती है और इस वातावरण को उत्पन्न करना और बनाए रखना समाज और राज्य का कर्तव्य है, यानी कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व विकास के लिए जो वातावरण चाहिए, जो परिस्थितियाँ चाहिए, जो चीज़ें चाहिए जिनका प्रयोग करके अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, इसको पैदा करना और इसको बनाए रखना समाज और राज्य का दायित्व है, यानी कि व्यक्ति के समक्ष ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करना ताकि व्यक्ति उनका प्रयोग कर सके, ताकि व्यक्ति उनके अनुसार अपने आप को ढाल सके, ताकि व्यक्ति उस समाज के उस पर्यावरण में रहकर अपने लिए अपने अधिकारों का प्रयोग करके कुछ प्राप्त कर सके। इसलिए ये सारी चीज़ें जो है प्रदान करना, उनकी सुरक्षा करना, उनके लिए विशेष परिस्थितियाँ उपलब्ध करवाना, ये समाज और राज्य का कर्तव्य है। अनुकूल परिस्थितियों के अभाव में व्यक्ति का पूर्ण विकास नहीं हो सकता, जीवन की इन्हीं परिस्थितियों को अधिकार कहा जाता है, यानी कि व्यक्ति के जीवन के लिए जो उनके अनुकूल परिस्थिति होनी चाहिए वो परिस्थितियाँ अगर उसको नहीं मिलेगी तो वो अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सका, और ये जो परिस्थितियाँ होती है इन्हीं परिस्थितियों को अधिकार कहा जाता है, यानी कि व्यक्ति के सामने वो सब चीज़ें उपलब्ध करवाना ताकि वो उनका प्रयोग कर सके और प्रयोग करके समाज में अपने उचित स्थान को प्राप्त कर सके और अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। ये जो भी परिस्थितियाँ होती है उन्हीं परिस्थितियों को हम अधिकार कहते हैं। जैसे कि वाइल्ड ने कहा है, अधिकार कुछ विशेष कार्यों को करने के लिए स्वतंत्रता की युक्ति संगत मांग है, यानी कि कुछ विशेष कार्य, वो विशेष कार्य क्या है, अपने व्यक्तित्व का विकास, और अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए जो स्वतंत्रताएं व्यक्ति को चाहिए वो ही अधिकार है। जैसे लास्की कहते हैं, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां है जिनके बिना सामान्य तक व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। लास्की के अनुसार अधिकार क्या है, सामाजिक जीवन की परिस्थितियां हैं, अगर ये परिस्थितियाँ नहीं होगी तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता, यानी कि आसानी से जीवन यापन नहीं कर सकता, अपनी योग्यता का प्रयोग नहीं कर सकता, अपनी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर सकता और समाज में अपने उचित स्थान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जो भी परिस्थितियाँ होती है वो परिस्थितियाँ ही अधिकार कही जाती है। अधिकार के तत्व या लक्षण, एक स्वार्थ रहित मांग, यानी कि एक ऐसी मांग जिसके पीछे किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता। अधिकार सामाजिक हित में एक स्वार्थ रहित मांग जो समाज या राज्य से की जाती है, सामाजिक हित में, क्योंकि व्यक्ति इन्हीं परिस्थितियों का प्रयोग करके, इन्हीं अधिकारों का प्रयोग करके अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। अगर समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास होता है तो इसका मतलब समाज का विकास होता है। इसलिए समाज से ही, समाज के ही लोग एक ऐसी मांग करते हैं, स्वार्थ रहित मांग, जिसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं होता, जिसके कारण से वो अपना और समाज का विकास कर सके। राज्य का संरक्षण, राज्य अधिकारों का संरक्षक होता है,
राज्य का उत्तरदायित्व है कि वह ये देखे कि सभी व्यक्ति समान अधिकारों का उपभोग करते तथा कोई भी व्यक्ति उनका दुरुपयोग नहीं करे। अभी अपन ने बात की थी कि राज्य का संरक्षण इसलिए आवश्यक है कि राज्य उसको औचित्य प्रदान करता है, यानी कि एक कानूनी परिधि में बांधता है, और एक परिसीमन प्रदान करता है, यानी कि वो ये कहता है कि अधिकार यहाँ से शुरू होते हैं और यहाँ तक खत्म होते हैं, यानी कि आप ऐसा कार्य कर सकते हैं, ऐसा कार्य नहीं कर सकते। तो ये सब कुछ निर्धारित करना जो है वो राज्य का कार्य है, और राज्य ये भी देखता है कि व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग करे, दुरुपयोग ना करे, क्योंकि अगर व्यक्ति अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेगा तो इसका मतलब है कि दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन करेगा, और दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन करने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं होता। इसलिए अधिकारों के पीछे राज्य की सुरक्षा होती है, समाज की सृष्टि। अधिकार समाज में ही संभव है, सामाजिक सदस्य के रूप में अधिकार मिले हैं, बिना सामाजिक स्वीकृति या मान्यता के व्यक्ति की मांगे अधिकार का रूप धारण नहीं कर सकते। यानी कि हमें अधिकार किस रूप में मिलते हैं, क्योंकि हम समाज के सदस्य हैं, सामाजिक हित में समाज के सदस्य के रूप में हमें अधिकार मिलते हैं, और इसलिए मिलते हैं ताकि हम समाज में अपना योगदान दे सकें। समाज की स्वीकृति होती है, स्वीकृति इसलिए होती है कि हमें अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए वो सब चीज़ें चाहिए, वो समाज इन चीज़ों को उपलब्ध करवाता है। इसलिए अधिकार समाज की सृष्टि, यानी कि अधिकारों का निर्माता कौन है, समाज, और सुरक्षाकर्ता कौन है, राज्य। कल्याणकारी स्वरूप, अधिकारों को मान्यता इसलिए होती है कि वे मानव की उन्नति में सहायक होते हैं, व्यक्ति को कोई ऐसे अधिकार नहीं मिलते जो उन्नति में बाधक हो। कल्याणकारी यानी कि व्यक्ति का कल्याण अधिकारों का उद्देश्य होता है, कि व्यक्ति इन अधिकारों का प्रयोग करके अपना और समाज का कल्याण कर सके, अपने परिवार का कल्याण कर सके, अपने राज्य का कल्याण कर सके। इसलिए इनके पीछे जो सोच होती है अधिकारों के पीछे, वो कल्याणकारी होती है। इसका उद्देश्य व्यक्ति के कल्याण से जुड़ा होता है। सर्वव्यापकता, अधिकार सार्वभौमिक होते हैं, अर्थात बिना किसी भेदभाव के ये राज्य के सभी नागरिकों को प्राप्त होते हैं। यानी कि अधिकार जो है सार्वभौमिक का मतलब सबको बिना किसी भेदभाव के प्राप्त होते हैं। समाज के जो भी नागरिक हैं, समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म का, जाति का, समुदाय का हो, कोई मतलब नहीं है, किसी भी आधार पर अधिकार जो है भेदभाव नहीं करता, और सबको समान रूप से प्राप्त होते हैं। इसलिए अधिकार सर्वव्यापक है। कर्तव्यों से संबंधित, अधिकार कर्तव्यों पर आश्रित होने के कारण इनका महत्व कर्तव्यों की दुनिया में ही होता है। अधिकार में कर्तव्य निहित है, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं है। यानी कि अधिकारों के लिए क्या, अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है, एक अधिकार दूसरे का कर्तव्य है। अपन अगर अधिकारों का प्रयोग करते हैं तो अपना ये कर्तव्य भी है कि अपन ये देखें कि अपने अधिकार के प्रयोग के कारण से किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों का हनन ना हो, उसका नुकसान ना हो। इसलिए अधिकार और कर्तव्य पारस्परिक रूप से जुड़े हुए होते हैं, और इनका प्रयोग जो है कर्तव्यों की दुनिया में ही किया जाता है, बिना कर्तव्यों के अधिकार संभव नहीं है। अब बात करेंगे अधिकारों संबंधी सिद्धांत। अधिकारों के संबंध में बहुत से सिद्धांत प्रचलित हैं, लोगों की अलग अलग धारणा है कि अधिकार कैसे उत्पन्न हुए, कैसे आए, किस तरह से उनका विकास हुआ, किस तरह से उनका जन्म हुआ, अधिकार कौन प्रदान करता है, कौन उनकी सुरक्षा करता है, आदि बातों को लेकर विभिन्न विद्वानों ने अधिकारों के संबंध में विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए। और उनमें पहला है अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत। मनुष्य को प्रकृति द्वारा ही कुछ अधिकार प्रदान किए जाते हैं। ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त या जन्मजात है। सामाजिक या राजनीतिक जीवन का आरंभ होने से पूर्व ही मनुष्य को प्रकृति की ओर से अधिकार प्राप्त थे। जो समझौतावादी विचारक हैं हॉब्स, लॉक, रूसो, वो ये मानकर चलते हैं कि एक समय ऐसा था जब राज्य नहीं था, जब समाज नहीं था, यानी कि राज्य के निर्माण और समाज के निर्माण से पूर्व की जो अवस्था है उसको उन्होंने प्राकृतिक अवस्था नाम दिया। और प्राकृतिक अवस्था के संबंध में उन्होंने कल्पना की कि जब राज्य नहीं था, जब समाज नहीं था, तब भी लोगों के पास अधिकार थे। इसलिए ये धारणा कि अधिकार राज्य के द्वारा प्रदान नहीं किए जाते, अधिकार समाज के द्वारा प्रदान नहीं किए जाते, बल्कि अधिकार प्रकृति प्रदान करती है, यानी कि अधिकार जन्म जाता है। व्यक्ति जब पैदा होता है तब अधिकारों को लेकर पैदा होता है, समाज या राज्य व्यक्ति को अधिकार प्रदान नहीं करते। इसलिए व्यक्ति को अपने बारे में निर्णय करने का, अपने कार्यों के बारे में निर्णय करने का, अपने जीवन के बारे में निर्णय करने का कुछ भी अधिकार होना
चाहिए, ये जन्मजात है और ये तब से है जब समाज की सृष्टि भी नहीं हुई थी और राज्य का निर्माण भी नहीं हुआ था, यानी कि राज्य और समाज के जन्म से पहले भी व्यक्ति अपने अपने पास अधिकार रखते थे या व्यक्तियों के पास अधिकार थे। जीवित रहने, स्वतंत्रता व आत्मनिर्णय का अधिकार जन्मजात अधिकार है, जिनको प्राप्त करने तथा सुरक्षित रखने का अधिकार प्रत्येक मनुष्य को प्रकृति से प्राप्त है। ये कुछ मोटे अधिकार है, जैसे कि लोक इसका सबसे बड़ा प्रतिपादक है, वो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत प्रतिपादित करता है और ये कहता है कि व्यक्ति के पास तीन अधिकार प्राकृतिक है, वो जीवन का, स्वतंत्रता का और संपत्ति का, ये तीन अधिकार प्राकृतिक मानता है। और कुछ व्यक्ति, कुछ विचारक ये मानते हैं कि जीवित रहने यानी कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और आत्मनिर्णय यानी कि स्वयं के बारे में निर्णय करने का अधिकार जो है वो जन्मजात अधिकार है, और जिनको प्राप्त किए बिना, जिनको सुरक्षित रखे बिना व्यक्ति इनका प्रयोग नहीं कर सकता, और ये सब कुछ जो है जन्मजात है, यानी कि व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होते, प्रकृति से प्राप्त होते, राज्य और समाज इनको प्रदान नहीं करता। मनुष्य इन अधिकारों का प्रयोग समाज या राज्य की स्थापना के पूर्व से कर रहा है, अतः इनका उपभोग में समाज या राज्य का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इनका मानना है कि जब समाज नहीं था, जब राज्य नहीं था, तब भी व्यक्ति इन अधिकारों का प्रयोग कर रहा था, यानी कि समाज की रचना या राज्य का निर्माण होने से पहले से ही व्यक्ति इन अधिकारों का प्रयोग कर रहा था, इसलिए इनके प्रयोग में, इनके उपयोग में समाज या राज्य को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हस्तक्षेप इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि समाज और राज्य ने उनको यह प्रदान नहीं किया, प्रकृति ने प्रदान किया, इसलिए समाज और राज्य को इन अधिकारों में हस्तक्षेप करने का अधिकार भी नहीं। इस सिद्धांत के समर्थक है हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल्टन, वाल्टेयर, ग्रोसियस, डूकर, टॉमस पेन, ब्लैकस्टोन, जोलीवियस, सिसरो आदि, ये मान कर सकते हैं कि अधिकार राज्य और समाज की सृष्टि नहीं है, बल्कि अधिकार व्यक्ति को प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं। दूसरा है अधिकारों का विधिक या कानूनी सिद्धांत। ये सिद्धांत मानता है कि अधिकार की उत्पत्ति वैधानिक व्यवस्था से हुई है। ये सिद्धांत प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत के ठीक विपरीत है और अधिकारों को राज्य की सृष्टि मानता है। अभी अपने जिस अधिकार की बात की, अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत, वो ये मानकर चलता है कि अधिकार राज्य या समाज प्रदान नहीं करता, बल्कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तब इनको लेकर पैदा होता है और ये प्रकृति के द्वारा उसे दिए जाते हैं। और ये जो अधिकारों का विधिक सिद्धांत है, ये इस सिद्धांत के ठीक विपरीत है। वो ये मानकर चलता है, प्राकृतिक सिद्धांत ये मानकर चलता है कि राज्य और समाज प्रदान नहीं करता, जबकि ये मानकर चलता है कि अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य के द्वारा ही दिए जा सकते हैं, यानी कि राज्य कानून बनाकर व्यक्तियों को अधिकार प्रदान करता है। जैसे कि आज की धारणा ये कि राज्य संविधान के भीतर ही अपने नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है, जिसे मूल अधिकार हम कहते हैं, जैसे कि भारतीय संविधान में है। और इसके अलावा भी समय समय पर राज्य कानून बनाकर भी और दूसरी चीज़ों को भी अधिकार के रूप में स्वीकार करता है। तो ये सिद्धांत ये मान कर सकता है कि अधिकार जो है वो राज्य के द्वारा दिए जाते हैं और कानून बनाकर दिए जाते हैं, इसलिए कानून की उपज अधिकार। राज्य कानून बनाकर हमारे अधिकारों की रचना करता है। कानून या विधि जो कुछ प्रदान करती है वही अधिकार है। राज्य के बिना अधिकारों का उपयोग नहीं किया जा सकता। अधिकार प्रकृति की नहीं अपितु राज्य की देन है, यानी कि अधिकार प्रकृति नहीं देती बल्कि कौन देता है? राज्य देता है। कैसे देता है? कानून बनाकर, यानी कि राज्य किसी भी चीज़ को कानून बनाकर अधिकारों के रूप में स्वीकार कर सकता है। अगर राज्य कानून बना दे ये मुख्य चीज़ व्यक्तियों के अधिकार है, तो इसका मतलब वो कार्य करने का व्यक्ति को अधिकार प्राप्त हो जाता है। जैसे हम एक उदाहरण ले, भारत के परिप्रेक्ष्य में मैंने अभी आपको बताया कि मौलिक रूप में हमारे संविधान में 7 अधिकार थे। एक अधिकार 44वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया, फिर 6 अधिकार रहे। उसके बाद संविधान में संशोधन करके, आपको ध्यान होगा 86वां संविधान संशोधन किया गया था और शिक्षा को मूल अधिकार घोषित किया, और इसके परिप्रेक्ष्य में भारतीय संसद ने शिक्षा का अधिकार संबंधी कानून बनाया। तो इस प्रकार से समय समय पर हमारी संसद या राज्य के द्वारा कानून बनाकर नए अधिकारों की घोषणा भी की जा सकती है। इस कारण कोई भी किसी भी तरह का कार्य अगर वहाँ का कानून अधिकार के रूप में स्वीकार कर लेता है तो वो अधिकार माना जाता है। इसका मतलब अधिकार कैसे दिए जाते हैं? कानून बनाकर, और देता कौन है? राज्य। जीवन,
स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार उसी सीमा तक प्राप्त कर सकते हैं जिस सीमा तक किसी राज्य के कानून ने उनको स्वीकार कर लिया है। यानी कि हमें जो भी अधिकार प्राप्त होते हैं वो तभी प्राप्त होते हैं जब राज्य के कानून उनको स्वीकार कर लेते हैं अधिकारों के रूप में और उनको मान्यता प्रदान कर देते हैं, कानून बनाकर उनको अधिकार के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, तभी हमें अधिकार है, चाहे वो जीवन का हो, चाहे स्वतंत्रता का हो, चाहे संपत्ति का हो, चाहे समानता का हो, चाहे धार्मिक स्वतंत्रता का हो, चाहे किसी भी तरह का जो भी अधिकार है, अगर राज्य का कानून उसको अधिकार के रूप में स्वीकार कर लेता है तो ही वो अधिकार अन्यथा नहीं हो सकता। इस सिद्धांत के समर्थक है हॉब्स, सर्वप्रथम वही व्यक्ति था, और ऑस्टिन, बेंटन, हॉलैंड, साल्मन, रिची आदि, इन व्यक्तियों ने ये कहा है कि अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य ही प्रदान कर सकता है और कानून बनाकर। अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, हमारे वर्तमान अधिकार पुरानी परंपराओं अथवा रूढ़ियों पर आधारित है। जो प्रथाएं तथा परंपराएं लंबे समय से चली आ रही है वही कालांतर में अधिकारों का रूप धारण कर लेती है, तब वे अधिकार बन जाती है और उनके पीछे राज्य की शक्ति हो जाती है। ये जो सिद्धांत है ऐतिहासिक सिद्धांत, ये मानकर चलता है कि अधिकार जिनका प्रयोग आज हम कर रहे हैं वो अतीत में यानी कि पुराने समय में, प्राचीन समय में हमारी प्रथाएं रही है, हमारी परंपराएं रही है, हमारी रूढ़ियां रही है और उनको हम लंबे समय से प्रयोग में लेते आ रहे हैं, वो कार्य हम करते आ रहे हैं, उनके अनुसार हम ढल चुके हैं, हमारे जीवन में वो चीज़ें ढल चुकी है और उनका प्रयोग चूँकि हम अतीत से कर रहे हैं इसलिए समय के साथ राज्य उनको अधिकार के रूप में स्वीकार कर लेता है, अधिकारों के रूप में मान्यता दे देता है और उसके पीछे राज्य की शक्ति होती है इसलिए वो अधिकार बन जाती है। ऋचि के अनुसार प्रायः देखने में आता है कि जो लोग जिन अधिकारों का आवश्यक मानते हैं वे ऐसे अधिकार होते हैं जिनका लोग उपयोग करते आ रहे हैं अथवा जो परंपरागत, यानी कि हम जो आज अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं वो अतीत से करते आ रहे हैं, बहुत प्राचीन समय से करते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज भी उन अधिकारों का प्रयोग करते थे और आज भी हमें कर रहे हैं, इसलिए अधिकार और कुछ नहीं हमारी परंपराएं हैं जो परंपरागत हो चुकी है जिनको लंबे समय से हम करते आ रहे हैं और इस कारण से वो अधिकार है। प्रोफेसर सुमनर भी कहता है कि अधिकार और कुछ नहीं केवल रीति रिवाजों की उपज है, यानी कि सुमनर के अनुसार कि हमारे जो आज के अधिकार हैं वो कुछ नहीं है, हमारी पुरानी परंपराएं हैं, हमारे पुराने रीति रिवाज हैं जिनको आज राज्य ने अधिकार के रूप में स्वीकार कर लिया, इसलिए ऐतिहासिक सिद्धांत ये मानकर सोचता है कि अधिकार नए अधिकार नहीं है, वही चीज़ें हैं जो पुरानी है, जो लंबे समय से सालों से चली आ रही हैं, जिनका प्रयोग हम प्रथाओं के रूप में, परंपराओं के रूप में करते हैं और फिर आखिरकार राज्य इनको अधिकारों के रूप में स्वीकार कर लेता है। इस सिद्धांत के समर्थक है मेकाइवर, सेग्विन, सर हेनरी मेन, बर्गेस, विगल, ब्रेडले और सबसे प्रमुख है एडमंड बर्क जो इंग्लैंड के रहने वाले थे। अधिकारों का सामाजिक कल्याण सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार समाज की देन है और वे सामाजिक कल्याण की दशाएं हैं। अधिकारों का आधार उपयोगिता अथवा लोक कल्याण, उपयोगिता से तात्पर्य सामाजिक उपयोगिता, यानी कि अधिकारों का सामाजिक कल्याण सिद्धांत ही मानकर चलता है कि अधिकार समाज सामाजिक कल्याण है, समाज का कल्याण है, लोक कल्याण है, अधिकार कुछ नहीं, इसके पीछे सोच ये है कि इसके माध्यम से व्यक्ति यानी कि लोक यानी कि जनता इनका कल्याण करना यानी कि समाज का कल्याण करना और इसका उद्देश्य है उपयोगिता, सामाजिक उपयोगिता, क्योंकि अधिकारों का उपयोग हम समाज में करते हैं, समाज की भलाई के लिए करते हैं, व्यक्ति की भलाई के लिए करते हैं, व्यक्ति के कल्याण के लिए करते हैं, इसलिए जो भी अधिकार है वो हमारी सामाजिक कल्याण की दशाएं हैं, हमारे सामाजिक कल्याण की परिस्थितियां हैं जिनका प्रयोग करके हम खुद का भी और समाज का कल्याण करते हैं, इसलिए अधिकार क्या है, सामाजिक कल्याण करने की परिस्थितियां। अधिकारों की सृष्टि संपूर्ण समाज की भलाई को ध्यान में रखते हुए की जाती है। इस सिद्धांत के प्रमुख अनुयायी है ब्रिटिश उपयोगितावादी विचारक बेंथम, मिल, अमेरिकी विधिवेता डीन पाउंड और चेफी। ये जो सिद्धांतकार हैं जैसे कि उपयोगितावादी विचारक बेंथम और मिल, इसके अलावा अमेरिकी कानूनवेत्ता डीन पाउंड और चेफी, इनका उद्देश्य है कि इनका कहना है कि अधिकारों का जो उद्देश्य होता है वह संपूर्ण समाज की भलाई करना, यानी कि पूरे समाज की, जितने भी लोग समाज में रहते हैं किसी भी जाति या धर्म के हों उससे मतलब नहीं है, वो
उद्देश्य होता है सभी व्यक्तियों का कल्याण, सभी व्यक्तियों की भलाई करना, और इसी के लिए व्यक्तियों को ये अधिकार प्रदान किए जाते हैं। उसका प्रयोग करके व्यक्ति स्वयं अपने अधिकारों का भी, अपना भी कल्याण कर सके और समाज का कल्याण भी कर सके। इनके अनुसार अधिकारों का मापदंड अधिकाधिक लोगों का अधिकतम सुख है, यानी कि अधिकार का उद्देश्य क्या है, अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्रदान करना, वो सुख जिसके माध्यम से उनको अच्छा अनुभव हो, जिसके माध्यम से वो अपने कल्याण कर सके। अगला अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के जीवन का आदर्श है अपने व्यक्तित्व का विकास करना और इस आदर्श की प्राप्ति के लिए जो कुछ उसे प्राप्त होना चाहिए वो उसका अधिकार है। ये आदर्शवादी सिद्धांत क्या मान कर सकता है कि व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य क्या है, अपने व्यक्तित्व का विकास करना। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक ही उद्देश्य है, अपने व्यक्तित्व का विकास करना, और इस व्यक्तित्व के विकास के लिए जो कुछ उसे प्राप्त होना चाहिए, जो परिस्थितियां उसे प्राप्त होनी चाहिए, जो चीजें उसे प्राप्त होनी चाहिए, जो वो आवश्यक समझे, वो सब कुछ उसे मिले, यही उसका अधिकार है, यानी कि वो सब कुछ उसको मिलना चाहिए। इस सिद्धांत के समर्थक मानते हैं कि अधिकार मनुष्य के आंतरिक विकास के लिए आवश्यक बाह्य दशाएं हैं और अधिकारों के बिना किसी व्यक्ति का समुचित और पूर्ण विकास नहीं हो सकता। यानी कि व्यक्ति के आंतरिक विकास करने के लिए जो बाह्य दशाएं हैं वो अधिकार है, यानी कि वो परिस्थितियां जो हमें बाहर मिलती है उनका प्रयोग करके हम अपने व्यक्तित्व का आंतरिक विकास कर सके वो अधिकार है। और ये अगर ये चीजें हमें नहीं मिलेगी तो हम अपने व्यक्तित्व का समुचित और पूर्ण विकास नहीं कर सकते। ग्रीन के अनुसार अधिकार का तात्पर्य उस शक्तियों से जो एक नैतिक प्रणाली के रूप में अपना पूर्णत्व प्राप्त करने के लिए मनुष्य के लिए आवश्यक है। चूंकि इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारों का आधार एक आदर्श व्यक्तित्व के विकास की प्राप्ति माना गया है, अतः इसे आदर्श सिद्धांत, आदर्शवादी सिद्धांत कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, आदर्श व्यक्तित्व का विकास, समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करने वाला व्यक्तित्व है, और इसको सारे के सारे लोग जो समाज में रहते हैं वो प्राप्त कर सके, उन परिस्थितियों को प्रदान करना, उन परिस्थितियों को उपलब्ध करवाना राज्य का दायित्व है, ताकि वो भी अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। चूंकि इसका लक्ष्य है आदर्श व्यक्ति, आदर्श व्यक्तित्व का विकास, इसीलिए सिद्धांत भी आदर्शवादी कहा जाता है। अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स, एंगेल्स और लेनिन ने किया है। मार्क्स के अनुसार किसी समाज में अधिकारों का स्वरूप और चरित्र उस समाज की आर्थिक व्यवस्था पर निर्भर है। अधिकारों का जो मार्क्सवादी सिद्धांत है, इसके तीन प्रमुख सिद्धांतकार हैं। सबसे पहले तो खुद कार्ल मार्क्स और उसके परम मित्र एंजेल्स। इसके अलावा इन तीसरे व्यक्ति हुए रशिया के लेनिन, व्लादिमिर लेनिन। इन विचारकों ने मिलकर अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत प्रतिपादित किया। कार्ल मार्क्स कहते हैं समाज में अधिकारों का स्वरूप और चरित्र उस समाज की आर्थिक व्यवस्था पर निर्भर करता है, यानी कि उस समाज की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। आर्थिक व्यवस्था से तात्पर्य समाज में लोगों की आर्थिक दशाएं कैसी है, क्या सभी लोग आर्थिक स्वतंत्र हैं, क्या सभी लोगों के पास में आर्थिक रूप से आजीविका के संपूर्ण साधन है, क्या किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होता, क्या समाज में सारे के सारे वर्ग समाप्त हो गए हैं, क्या सभी को सब चीजें बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध हो रही है, सबकी परम आवश्यकताएं जो है, प्राथमिक आवश्यकताएं वो पूर्ति हो रही है। अगर इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था है तभी अधिकार है, अन्यथा अधिकार नहीं है। मार्क्सवाद के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता की अनुपस्थिति में अव्यावहारिक, यानी कि अगर हम ये चाहते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए तो इसके लिए जरूरी है कि आर्थिक समानता होनी चाहिए। आर्थिक समानता नहीं तो राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, यानी कि सभी व्यक्तियों के बीच में आर्थिक समानता होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर भेदभाव नहीं होगा तभी लोग अपनी राजनीतिक स्वतंत्रताओं का प्रयोग कर पाएंगे। सिद्धांत है जहाँ सामान्य वर्ग कुछ पूंजीपतियों की तानाशाही के अधीन हो वहाँ अधिकारों की चर्चा एक कल्पना मात्र होती है, क्योंकि मार्क्स के मत में जिनके पास आर्थिक शक्ति होती है राजनीतिक शक्ति का उपयोग भी वही करता है। जब हम अधिकारों की बात करते हैं, अगर एक राज्य में पूंजीपतियों की तानाशाही है तो इसका मतलब है कि गरीबों का, मजदूरों का, श्रमिकों का शोषण होगा। अगर श्रमिकों का शोषण है तो इसका मतलब अधिकारों की हमें बात नहीं करनी चाहिए। अधिकार फिर कल्पना मात्र है, वास्तव में अधिकार नहीं है। और जिसके हाथ में आर्थिक शक्ति होती है, यानी कि अगर आर्थिक शक्ति पूंजीपतियों के हाथ में तो राजनीतिक शक्ति का प्रयोग भी पूंजीपति करेंगे, अगर आर्थिक शक्ति श्रमिक वर्ग या निम्न वर्ग के हाथ में तो राजनीतिक शक्ति का प्रयोग भी वही करेंगे। इसलिए ये इस बात पर निर्भर करता है कि आर्थिक शक्ति किसके पास है, उसी के आधार पर अधिकारों की बात होती है, बिना इसके अधिकार संभव नहीं। मार्क्स के अनुसार स्वतंत्रता पूर्ण आर्थिक एवं भौतिक सुरक्षा के अंतर्गत ही संभव है,
और तथा इस आर्थिक लक्ष्य की उपलब्धि और सुरक्षा साम्यवादी राज्य द्वारा ही संभव हो सकती है। मार्क्स कहता है कि स्वतंत्रता कब होगी, पूर्ण आर्थिक और भौतिक सुरक्षा में, और ये आर्थिक और भौतिक सुरक्षा कौन प्रदान करता है, साम्यवादी समाज या साम्यवादी राज्य। अंत में जैसे कि कार्ल मार्क्स कहता है कि वर्ग विहीन राज्य विहीन अवस्था, जिसे साम्यवादी समाज कहा गया, राज्य नहीं होगा सिर्फ समाज होगा, और समाज क्या होगा, सिर्फ कामगारों का समाज होगा, कोई वर्ग नहीं होगा। जैसे कि पहले पूंजीपति राज्य में दो वर्ग थे, एक तो पूंजीपति था, एक श्रमिक वर्ग था, पूंजीपति श्रमिक वर्ग का शोषण करता था। फिर राज्य मार्क्स कहता है कि एक दिन राज्य का अंत हो जाएगा, पूंजीपतियों का अंत हो जाएगा, और फिर सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित होगा, उसके बाद राज्य समाप्त हो जाएगा, सिर्फ समाज रहेगा, और ये होगा साम्यवादी समाज जिसमें कोई ऊपर नहीं होगा, कोई नीचे नहीं होगा, कोई वर्ग नहीं होगा, सब लोग समान होंगे, और अधिकार इसी अवस्था में संभव, जब सब लोग समान हो, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं हो, ऊंच नीच की भावना नहीं हो, तभी अधिकारों का प्रयोग हो सकता, अन्यथा नहीं हो सकता। साम्यवाद के अनुसार अधिकार राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के दावे नहीं है, बल्कि साम्यवादी आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था के प्रतिफल है। साम्यवाद क्या कहता है कि अधिकार राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के दावे नहीं, यानी कि अधिकार जो है राज्य से व्यक्ति मांग नहीं सकता, बल्कि क्या है, साम्यवादी आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था के प्रतिफल, यानी कि ये व्यवस्था जिसमें सब लोग समान हो उसका परिणाम है, जिसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं, सब लोग समानता का उपयोग करें, अपने आप लोगों के पास अधिकार होंगे। तो ये है अधिकार, विभिन्न प्रकार के सिद्धांत। इस मामले में मोटे रूप में ये छह सिद्धांत प्रचलित है, अधिकारों के बारे में, अधिकार क्या है, कैसे कहाँ से आए, कैसे इनकी सृष्टि हुई, ये सब कुछ अलग अलग विद्वानों के अलग अलग दृष्टिकोण है अधिकारों के संबंध में। लोग इसको कुछ अलग अलग, जैसे कि हमने देखा कि एक तो प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है, एक विधिक अधिकारों की बात करता है, एक सामाजिक कल्याण संबंधी अधिकारों की बात करता है, एक आदर्श रूप में अधिकारों की बात करता है, मार्क्सवादी अधिकारों की बात करता है, यानी कि अलग अलग धारणाएँ हैं। तो ये है अधिकार। अभी एक अधिकारों के संबंध में एक चीज़ और अपन बात करेंगे, अधिकारों के प्रकार, ये भी अपन ने केवल सिद्धांत किए हैं, ये पहला पार्ट अधिकारों का, इसका एक अगला पार्ट और अपन अगले बारे में बात करेंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो आपसे निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको आगे अगली कड़ी के रूप में मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद।